अस्सलाम वालेकुम भाई। में अगर कोई शख्स बीमार है और उसके पास कुछ भी नहीं रहा लगाने के लिए, सारी चीज़ लगा दिया और कोई ऑपरेशन है जैसा, उसकी जान जा भी सकती, तो उस हालत में सूद से पैसा लगाना या मौत बेहतर है? देखिए भाई ने एक सवाल किया कि एक इंसान है और वो सब कुछ लगा चुका है, खर्च कर चुका है अपने रिश्तेदारों पर और उसके पास अब कुछ पैसा नहीं है, अब जान जाना है या सूद पर पैसा लेना, मतलब इलाज के लिए, तो अब क्या करें? देखिए ये तमाम चीज़ें वक्त, ज़मीन, ज़माना और हालात के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक, जैसा कि एक इंसान है और वो ये चाहता है कि मुझे हराम का कुछ मेरे ऊपर ना लगे, तो वो कहता है भाई मेरी मौत भली, मुझे नहीं चाहिए, तो ये उसका ऑप्शन है। कोई ये कहता है कि नहीं, ज़िंदा रहूँगा तो बहुत सारे और भी काम कर पाऊँगा, और चूँकि मेरी हालत मौत की है और मौत के करीब जब इंसान हो जाए तो मजबूरन उतना हराम इस्तेमाल करना जायज़ हो जाता है जितना उसको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है ना, समझ रहे बात? तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ इंसान उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, तो ये डिपेंड है उसके ईमान, उसके तख्वा, उसके ज़मीन और ज़माने के अतबार से। तो कोई अगर मौत के करीब और ले लेता है तो उसके लिए जायज़ था उस हद तक, और अगर कोई कहता है नहीं मौत तो जब आना है आ जाएंगी, बस जो हलाल में होता है भाई कर दो, बाकी छोड़ दो, ये उसके ईमान और तखवे का तकाजा होगा। तो बहरहाल इसका कोई हतमी जवाब नहीं है, ये इंसान और उसके तखवे के लिहाज से इसका मामला बदलेगा, चूँकि मजबूर है तो हराम उसे ले भी सकता है। और दूसरी शक्ल है कि वो कहे हलाल तो है लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, या फिर कोई सोचे जिंदा रहूँगा तो बहुत सारे कारनामे अंजाम दे दूँगा, अभी लेकर वापस कर देता हूँ, डिपेंड नहीं, बहरहाल इंसान क्या वो करे, तो कोई हतमी जवाब नहीं है, उसके ईमान और तखवे के अतबार से जवाब तब्दील होता जाएगा इंशाल्लाह।